ट्रक के पीछे ऐसे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? जैसे इस चार्जर से चार्ज करने पर आपकी बैटरी 20 साल तक डाउन नहीं हो सकती। एसबीआई के लोगों का एक ऐसा राज जिससे आप आज तक नहीं जानते थे। और छत के वाटर टैंक्स के ऊपर ये लाइंस क्यों होते हैं? भाई वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, तो इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स तो बनते ही हैं, तो अभी लाइक कर देना। नंबर 22, एक ऐसी बैटरी बनाई गई है जिसे चार्ज होने में बस 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन वो 20 साल तक चलती है। लेकिन ये इतनी भी पावरफुल नहीं है कि ये 20 साल तक आपके फोन को चला दे, लेकिन किसी नॉर्मल चीज जैसे कि एक रिमोट को 20 साल तक चला सकती है। नंबर 21, लंदन में इंग्लिश लोगों से ज्यादा इंडियंस के घर है, और वो बस रहते ही नहीं बल्कि वहाँ के काफी जमीन के भी ओनर है। यानी कि इंडियन उनके जमीन में नहीं बल्कि कई इंग्लिश लोग इंडियंस के जमीन पर रह रहे हैं। कमाल है। नंबर 20, एक व्यक्ति ने एक साल के अंदर 3,330 बार जोमेटो यूज किया था, यानी कि वो एक दिन के अंदर 9 बार जोमेटो से खाना मंगवाता था। सच्ची में इतना खाना वही खाता है? मेरा भी कैसे ना कैसे करके एक दिन में एक बार जोमेटो तो हो ही जाता है। नंबर 19, हम लोग किसी भी चीज पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेशन कर पाते हैं, उससे ज्यादा का तो चांस है ही नहीं। 10 मिनट के पहले ही या उसके अंदर हमारा ध्यान यहाँ वहाँ जाने लगता है, तभी मैं कहूँ मेरे वीडियोस पे व्यूज डाउन क्यों हो गए। नंबर 18, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप SBI बैंक जाते हो और वहाँ सिर्फ लंच टाइम चल रहा होता है, तब लोगों ने इनके लोगो पर एक मीम बनाया था। ये देखिए, इन्होंने इसे एक प्लेट और चम्मच बना दिया। मजाक से हटके ये अहमदाबाद के कांकरिया लेक से इंस्पायर होके बनाया गया है। नंबर 17, नॉर्थ कोरिया में तो अलग ही फंडा चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में सबसे कॉमन गिफ्ट है डिटर्जेंट या टॉयलेट पेपर, क्योंकि उन्हें लगता है यही उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम आएगा, तो कुछ ऐसा ही देना चाहिए जो उसके काम आए और ये चीज उसे साफ भी रखेगी। इसे कहते हैं 1000 IQ। भाई इतने खतरनाक फैक्ट्स बता रहा हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दो यार, 1 सेकंड का ही तो काम है। नंबर 16, ये शीप बाल काटे जाने से बचने के लिए ये न्यूजीलैंड के एक शीप फार्म से भाग गए और एक गुफा में छुप कर रहने लगे और 6 साल बाद मिले, और ये कुछ ऐसी दिख रही थी। इसने सच में ये सब कुछ किया बस इसके लिए ताकि इसे बाल ना कटवाने पड़े। नंबर 15, सऊदी अरेबिया अब WWE को भी खरीदने वाला है। हाल ही में न्यूज आ रही है कि सऊदी अरेबिया WWE को $6 मिलियन में खरीदने वाला है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, पर सऊदी अरेबिया की तरफ से ये ऑफर आ गया है और कई लोग कह रहे हैं कि WWE ने इस ऑफर को मान भी लिया है, बट अभी तक रिवील नहीं किया। नंबर 14, आपको भी ईमेल पर रोजाना कई स्पैम आते होंगे। इसका इल्जाम इस एक व्यक्ति पर जाता है, गैरी ट्योर। दरअसल ये दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने स्पैम ईमेल भेजा था। 1978 में उन्होंने 600 लोगों को स्पैम ईमेल भेजा था, और बस यही से स्पैम ईमेल का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि आज भी लोगों को परेशान करता है। नंबर 13, ईबे इतना ज्यादा पॉपुलर है कि नासा ने भी अपने प्रोडक्ट में ईबे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कई ऐसे रेयर या पुराने पार्ट्स होते हैं जिसकी जरूरत होती है, लेकिन वो लोकल मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलते, तो फिर ईबे का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 12, दोस्तों आपने ट्विटर पे बहुत सारे सैवेज रिप्लाइज देखे होंगे, पर ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर एक आदमी ने ट्विटर पर लिखा कि उनका खाना नहीं खाना चाहिए, जो खाना खिलाने के बाद आपको बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें खाना खिलाया, पर वही उसे एक आदमी रिप्लाई करता है कि ऐसा और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के पेरेंट्स है। वाह भाई, ये बंदा तो खेल गया। लेकिन आपको ऐसे खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, जूपी से आप यहाँ छोटे मोटे गेम्स खेल के बड़े कैश प्राइजेस जीत सकते हो, और उनको बैंक अकाउंट में UPI के जरिए विड्रॉ भी कर सकते हो, और ये 100% सेफ है, तो देर किस बात की। अभी जाओ डाउनलोड करो जूपी और जीतो 10 रुपीज फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 12, इस फैमिली ने बस 250 रुपए डालकर 18 करोड़ कमा लिए। न्यूयॉर्क के एक परिवार ने 2013 में एक सफेद सी कटोरी खरीदी थी, ये बस $3 की थी। इन्हें इसका डिजाइन सही लगा था तो इन्होंने इसे खरीद लिया, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चला कि ये 1000 साल पुराना चाइनीज आर्टिफैक्ट है, जो कि एकदम रियल है, और इसकी वैल्यू 2.2 मिलियन है, यानी कि ये 18 करोड़ के कटोरे में खाना खा रहे थे। नंबर 11, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है ये आपकी चीनी की प्रॉब्लम हो। दरअसल एक सर्वे में पता चला कि जो लोग ज्यादा मीठी कोल्ड ड्रिंक या फिर ज्यादा चीनी वाली चाय पीते हैं, उन लोगों को हेयर लॉस की काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, और जो लोग रोजाना 2 से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर चाय पीते हैं जिसमें ज्यादा चीनी है, तो उनको 42% ज्यादा हेयर लॉस होने के चांस है। पर भाई मेरे डैड तो दिन में 5 बार चाय पीते हैं, लेकिन उनका एक बाल भी नहीं झड़ा। नंबर 10, माइकल जॉर्डन नाइकी का स्पॉन्सर करके खुद नाइक से ज्यादा पैसे कमाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं कि नाइक के मलेशिया में जितने भी वर्कर हैं वो सारे वर्कर्स की इनकम को मिलाया भी जाएगा, फिर भी माइकल जॉर्डन अकेले उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, बस नाइकी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो उसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।